चेक करो कितना भीड़ है यहाँ की साइड, कितना मस्त सजा हुआ है। उसके पापा कह रहे हैं बेटा अरेंज छोड़, केवल मनी लाकर घर पे दो। आंटी जी किस तक खा रही है देखो ना। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह जल्दी उठ गए हैं क्योंकि कल रात को जल्दी सोए हुए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए हैं, वरना कहाँ हम जल्दी उठ कर आया करते हैं पार्क। और साथ साथ उठे हैं तो इन दोनों को भी ले लिए, पीयूष को और आकाश को, दोनों हमारे साथ आ गए हैं लोग पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। और रास्ते में आ रहे थे तो देखे हैं, आज पता नहीं क्या था शंकर जी का, आज भी कुछ निकला। उस दिन तो हल्दी का निकला था, आज पता नहीं, हमको लग रहा है मटिकोड़म का निकला था। तो सोचे रास्ते में चले जाए, लेकिन वहाँ पे जाते तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं, सिनेमेटिक में दिखाना पड़ता है। भक्ति सॉन्ग तो था बट भोजपुरी था थोड़ा, तो वैसे जानते ही आप, हम अपने ब्लॉग में बहुत मैक्सिमम दिखाते हैं ये सब भोजपुरी सॉन्ग। और कल के मुताबिक आज हमारे शरीर में पूरी एनर्जी है, कल तो पूरी तबीयत खराब थी तो थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी, कल तो बैठा भी नहीं जा रहा था। और आज एक ही दिन में सारा सही हो गया, लेकिन एक चीज़ सही नहीं हुआ क्योंकि मेरा फेसबुक भाई चला गया है, अभी तक नहीं आया। हम सोचे कल रात वेट किए तो आ जाएगा, एप्लीकेशन डाले हैं, देख रहे हैं कितने दिन में आ रहा है, कोई ना कोई उपाय तो लगाएंगे, देखते हैं कैसे आता है। अरे अभी आए हैं पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, तो चलते एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा करते कॉमेडी। नहीं नहीं, कॉमेडी नहीं करेंगे तो क्या करें, आज यहीं पे एक्सरसाइज कर लिया जाए। घास आज बिल्कुल भी गीला नहीं है, कल तो गीला हो गया था पता नहीं कैसे, कल शीत भी नहीं हुआ था हमको पता चला, ठंडी है ही नहीं उतनी ज़्यादा, हमको बस ठंडी लग गई थी तो हल्की हल्की ठंडी लग रही थी कल, तो अभी ठंडी है नहीं, तो यहीं पे एक्सरसाइज करते हैं, वरना वहाँ पर चलते इधर ही कर लेते क्योंकि हर वक्त इधर ही करते हैं। एंड एक्सरसाइज करके जाएंगे घर, तो हमको मंदिर जाने को मन कर रहा है, तो भाई रास्ते में देखे हैं जो था हल्दी नहीं मट्टी गोड़न या सीढ़ी लावा होता है वही था, तो चलते हैं तुरंत एक्सरसाइज करेंगे। तो आज चलते हैं शंकर जी का मंदिर दर्शन कर आते हैं, देखें तो पूरी मन में पॉजिटिव वाइब आ गई है, अभी चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका और बहुत ज़्यादा कर लिया आज, दो दिनों का एक्सरसाइज एक ही दिन में सारा कर लिए हैं, जितना आता है उतना कर लिए हैं। और थोड़ा एक्सरसाइज का आइडिया मालूम होगा तो आप लोग थोड़ा बताइएगा, उनको शेयर कीजिएगा, हमसे जितना हो पाता है हम उतना अपना प्रयास करते हैं। और धूप में एक्सरसाइज करने का अलग ही फीलिंग है, जो हम आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप में करके दिखाते हैं वो एक एक एक्सरसाइज भाई एक एक मिनट का रहता है, 50-50 सेकेंड का रहता है, तो उसको दिखाने लगेंगे तो पूरा हमारा ब्लॉग उसी से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको ब्लॉग बनाने से फायदा ही क्या। वैसे हमारा एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुका, अब चलते हैं बीम घिसने के लिए। आज 30 मारेंगे, 100 मारते हैं ना रोज वहाँ पर बीम, आज 30 मारेंगे। क्या लाया है पार्क में बैठने के लिए, ना एक्सरसाइज करे ना कुछ, देख रहे हो इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करा, कल इसको क्या दिखा दिया है अपने ब्लॉग में, तो ये तो खूब रील छोड़ रहा है। गाना बंद कर, मोबाइल छीन कर लेगा भग जाएंगे। गाना बंद सर, बिग फैन सर, एक फोटो भाई पॉपुलर हो गया है, इसका रील्स पे व्यूज जाने लगा है ना, पॉपुलर अपने को समझ रहा है ना, ये बात कर रहा है ना कुछ, देख रहे हो भयंकर रील्स दिन भर छोड़ता रह रहा है। इसके पापा कह रहे हैं बेटा रील्स छोड़ो और केवल मनी लाकर घर पे दो, ये भी कर रहा है कुछ सालों में मनी कमाने लगेंगे, तभी रील्स पे पूरा फोकस किया है। तो गाइस यार अभी चलते हैं थोड़ा बीम खींचने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो कर लिया, तो
केवल बाकी है तो उसको भी कर लेते हैं। आता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करना भी चाहिए, धीरे धीरे ना आएगा। 30-40 तो भी मराता नहीं है लेकिन 2-3 भी मार लिए। अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर पे। घर पे जाकर तुरंत रेडी होंगे, मंदिर आज निकलेंगे। अचानक से मन कर दिया मंदिर जाने को, तो चलते हैं घर, पहले नहाते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस मस्त नहा कर निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और चलते हैं अभी बाबा बलेश्वरनाथ का दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। गाइस ये चेक करो, यहाँ की साइड कितना मस्त सजा हुआ है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है आज मंदिर में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। तो गाइस गए हुए थे बाबा का दर्शन करने के लिए और दर्शन हो गई, पूरी अच्छी तरीका से हुई है। इतने दिन बाद गए थे और कितनी मस्त लगी है मंदिर जाकर भाई। मंदिर जाने पे भाई एक अलग ही फीलिंग आती है। कल महाशिवरात्रि है इसलिए यहाँ पर दिख रहे हो बांस और उसके ऊपर झंडा हर जगह लगा हुआ है। अभी तो पूरा इस पे लाइट लगेगी और कल तो भाई फुल मस्ती होगी क्योंकि बाबा का जुलूस निकलेगा, तो आपको दिखाएंगे कितना तगड़ा निकलता है। आप गैस नहीं कर सकते कि कितना मस्त निकलेगा, वो तो कल का बात है, कल आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर तो आधी डेकोरेशन है, अभी आधी डेकोरेशन रात में हो जाएगी पता भी नहीं चलेगी। देख रहे हो भयंकर, यहाँ भी कुछ बनाया जा रहा है। अभी तो कितने जगह ऐसे ऐसे चीज़ बनेंगे, ये तो छोटा छोटा चीज़ हर जगह बना रहता है, सड़क सड़क भी। अभी तो ये एक दिखाया है, ऐसी कितना यहाँ की साइड बना रहेगा वो तो कल आपको पता ही चल जाएगा जब थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको। तो सारा बात आज ही बता देंगे तो कल का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर, और घर जाकर नाश्ता कर फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यार घर पहुँचे थे, और घर पहुँचे तो भाई भूख लगी थी रास्ते में, सोचे घर पे खाना बन गया होगा, तो घर आए तो देखे खाना ही नहीं बना था, तो इसीलिए भाई चाय पी कर पेट भर रहे हैं। अभी कई भाई हमारे कमेंट कर रहे थे लोग कि तुम भाई चाय छोड़ दो, चाय छोड़ने की कोशिश करते हैं, हफ्ते भर छोड़ते हैं लेकिन एक दिन पीते हैं तो भाई लत लग जाती है उसकी। इसका भी धीरे धीरे आदत छूट जाएगा, अभी तो पी रहे हैं बाद में इसका आदत छूट जाएगा, आप लोग भी देखते रहिएगा। वैसे घर आए थे तो अभी खाना ही नहीं बनाया था, चाय पीना ही पड़ेगा, तब तक खाना को रेडी होने दीजिए, हमारा बचा हुआ काम है उसको पूरा करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो वैसे वही आए थे ऊपर कभी से, और बैठकर भाई दो दो चैनल का काम करते एक साथ, और यहाँ पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे काम करते करते थोड़ा थक गए तो थोड़े लेट गए थे। और इस रूम में भाई इतनी मच्छर है ना, मच्छर की कमी नहीं है इस रूम में। कभी गाल पे काट रहे हैं सब, तो अपने ही गाल पे मार रहे, चाटा थप थप मार रहे हैं, और कभी हाथों पे पैरों पे काटते जा रहे हैं सब। भाई मच्छरों की कमी नहीं है, और इस रूम में कई घंटों से बिल्कुल अकेला हूँ, बस मेरे साथ एक लोग है केवल, बता सकते हो कौन? गाइस भूत है, भूत मेरे पीछे ही होगा, आसपास होगा कहीं भूत है। क्या मजाक कर रहा भाई, मजाक नहीं है यार, कभी से खुटर खुटर आवाज आ रहा है। यहाँ पे लेटे हुए हैं तो उसी के कारण उठ गए हैं, सही से लेट भी नहीं पाया, कभी से बैठकर काम कर रहे थे। एक्चुअली खुटर खुटर भूत नहीं, चूहा करते हैं सब, आप लोग भी कहोगे भूत भूत कर रहा है, चूहा है सब जो खुटर खुटर कर मेरा नींद डिस्टर्ब कर दिया सा। वैसे भी अब सोएंगे नहीं, वरना सो जाएंगे तो रात को नींद नहीं लगेगी। वैसे भी रात को लेट से सोता हूँ, बट अभी नहीं सो सकता क्योंकि वैसे भी शाम हो चुकी है, बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया। वही अभी यहाँ पे बैठे हैं, अपने शरीर को मच्छरों को सौंप दिए हैं कि आओ भाई तुम लोग मेरे शरीर में से खून ले जाओ, तुम लोग की कमी होगी तो तुम लोग मेरे शरीर में से खून ले लो। एक मच्छर और दूसरा चूहा दोनों परेशान कर रहे थे इस रूम में। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चेहरा धुल कर निकलते हैं बाहर। तो जी गाइस मस्त रेडी हो चुके हैं, एक्चुअली जाना है अभी शादी में, हम और आदित्य अभी जा रहे लोग, और फैमिली भी जाएंगे लोग, तो फैमिली अभी थोड़ा लेट से निकलेगा, तो सोच रहे लो हमारा काम भी है, आदित्य हम आगे जाएंगे लोग तो तुरंत शादी अटेंड करके वापस आ जाया जाएगा, तो हमको वीडियो भी एडिट करना रहेगा। और गाइस मस्त निकल चुके हैं लोग दोनों लोग, और आदित्य आज पूरी दबा कर खाने वाला है, और अभी जा रहे लोग शादी में। और गाइस रास्ते में से जा रहे थे तो शंकर जी का मंदिर इतना मस्त सजा है, तो भाई वो छोटा सा क्लिप है वो आपको दिखा देते हैं।
गाइस कैसा लगा? वही छोटा सा क्लिप था आज दिखाया और बाकी सब कल दिखा देंगे। तो गाइस कल का एक्साइटमेंट है मेरे अंदर और यहाँ पर देख रहे हो कहे थे ना बत्ती लगने लगेगा, यहाँ पर बत्ती लगने लगा और यहाँ की साइड चेक करो भाई जो सुबह दिखाए थे वही है। और आज सोच रहे लोग कि कल सुबह जल्दी नहा कर, कल सुबह क्या 12 जैसे ही बीतेगा, जैसे ही 1 बजेगा जैसे ही सोच रहे लोग आकर यहाँ पर मंदिर में जल डाल दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉग रेडी करने में 1 बज जाता है, 12:30 बज जाता है और उस वक्त नहा भी लेंगे तो सब रेडी रहेगा, तो सुबह सुबह जल भी डाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद जाकर घर पे आराम से सोएंगे। वैसे भी सुबह भी भीड़ ही रहती है तो आपको चलेंगे उस वक्त तो दिखाएंगे। एक्चुअली अभी जा रहे लोग पूरी खाने पूरी। तो गाइस यार यहाँ पर पहुँचे थे लोग और भयंकर ही भीड़ चेक करोगे यार, इतनी भयंकर यहाँ पर भीड़ हुई है और बारात भी आ गई है बाहर और अब जाकर पहुँच रहे हैं। गाइस यार ये चेक करो भयंकर भीड़ भाई, भयंकर भीड़ देख रहे हो गाइस की टांग कितनी खड़ी भीड़ है। तो भाई वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, अभी आए हैं यहाँ पर सीढ़ी के साइड देख सकते हो यहाँ पूरी खाली है और इस साइड ये चेक करो जरा, सब लोग तो खाने पे टूट गया है, बस हम लोग को भी खाने पे टूटना है वरना भीड़ देख ही रहे कितनी तगड़ी वाली भीड़ है। अभी चलते वहीं पे और खाते हैं और तुरंत यहाँ से निकलते हैं भाई, भीड़ में ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकते इतनी तगड़ी वाली भीड़ है। तो भाई खाने में लिए लोग एक डे पापड़ पिन पूड़ी कचौड़ी और पनीर का सब्जी स्टाइल है, ये भी वही लिया सिंपल। हम लोगों को खाने का मन था यहाँ पे फास्ट फूड चाउमीन और मैक्रोनी, वो तो अभी बंद है देख ही रहे हो। तो गाइस खाना खा लिए लो और खाना खा लिए तो छोला चाउमीन सारा चीज स्टार्ट हो गया और आगे का सीन दिखाए कितना भीड़ है। गाइस यार ये चेक करो कितना भीड़ है, देख रहे हो भयंकर कितना ज्यादा भीड़। आदि पब्लिक को तो अलग जगह ध्यान जाता होगा पब्लिक बहुत साड़ी है मेरी और यहाँ पर देखो बस आप लोगों को यहाँ हम दिखाएंगे, यहाँ की साइड नहीं दिखाएंगे नहीं तो आपका ध्यान दूसरे जगह भगेगा। वहाँ देख लो भीड़ कितनी ज्यादा, अब आप ही बताओ इतने भीड़ में कैसे खाया जाए, देख रहे हो ना कितनी भयंकर भीड़ है। चला जाए भाई हम निकलते हैं लोग घर, जाएंगे लोग पहले एक चाउमीन किस तरह भी खाएंगे और फिर उसके बाद निकला जाए घर, देख ही रहो कितनी ज्यादा भीड़ है। आप लोग का ध्यान हम जानते हैं कहाँ पर जा रहा होगा लेकिन वहाँ पर ध्यान थोड़ा भी मत लगाइएगा, अभी यहाँ से खाते लो और डायरेक्ट निकलते लो क्योंकि देख ही रहो यार इतनी ज़्यादा भीड़ में ब्लॉग शूट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। हम भी अभी कुछ ही देर में इतनी भीड़ों में खा रहे थे जी। आंटी जी किस तरह खा रही है देखो ना, देखो देखो लोग हमें देखेगा तो कहेगा किसी का भी वीडियो बना रहा है, चलते यहाँ से घर, अब इतनी भीड़ में कैसे जाया जाए देख ही रहे हो। ये देखो इन लोगों का कारनामा, नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल। ये देखो नेक्स्ट बाय अलग ही कारनामे चल रहे यहाँ पर बाय। यहाँ पर वहाँ पर देखो वहाँ पर भाई देखे हो ना नेक्स्ट लेवल की करना में यार, गजबी तरीका से बम फोड़ रहे थे सब और आज इतनी ज्यादा लगन है हर जगह जा रहे हैं तो बराती बरात दिख रहा है। वैसे जहाँ पर गए थे लोग देखे कितनी ज्यादा भीड़ थी, चाउमीन खाने को मन था तुरंत बन रही थी तुरंत साफ भी हो जा रही थी, तो बिना चाउमीन खाए निकल चुके हैं घर के लिए। भाई जाएंगे तो एडिट करेंगे और फिर नहा लेंगे और फिर हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आना है जल डालने के लिए, सोच रहे लो सुबह सुबह डाल दिया जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो गाइस आज ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पब्लिक क्या कर रही है गाइस, ये देख रहे हो जमाना बदल गया, भंडारा नहीं चल रहा है तो यही पे खा खा कर आदमी फेंक रहा है।